Well, Mrs. Ham, good morning to all of you, class 9. Welcome to English Literature Period. Presently, we are taking up first book, Beehive. From this book, we are studying first chapter. Written by Isaac Asimov. In previous days, six passages have been completed by explanation. Six passages तक मैंने explain कर दिया है. आज हम लोग start करेंगे third passage. Today we will start third passage. Be concentrated to listen me. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. इस पैसेज में बताया जा रहा है, A man isn't smart enough. Actually, discussion was going between Margie and Tommy while reading the old book. What was found by Tommy in the house. दोनों डिस्कस कर रहे हैं. आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता है जितना कि रोबोटिक टीचर होता है. कंप्यूटर एज में, फ्यूचर जनरेशन में कंप्यूटर एजुकेशन होगा, इसमें टीचर भी क्या होगा, एक रोबोटिक टीचर होगा, ग्लो करेगा बोर्ड पर ही, वो स्मार्ट होता है. तो इनका मतलब है कि एंशिएंट टाइम में टीचर इंसान हुआ करते थे, ह्यूमन हुआ करते थे, तो इतनी स्मार्ट वो नहीं है. इससे और मेरे फादर जानते हैं इस चीज को, एज माई टीचर, वो अच्छे जानते हैं. आई बेचा, बेचा, बेचा मीन्स इनफॉर्मल, एक शर्त भी कह सकते हो. आई बेट यू इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ इसके लिए कि वो इसके बारे में अधिक जानते हो. फादर एज मच एज माई टीचर, टीचर की तरह से मेरे फादर भी जानते हैं. माजी बिल्कुल तैयार नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए. डिस्प्यूट मीन्स क्वारल, डिस्प्यूट मीन्स क्वारल, डिसएग्री विद. वो बिल्कुल डिसएग्री होने के लिए तैयार नहीं थी, डिस्प्यूट के लिए तैयार नहीं थी. क्वारल शी वाज नॉट रेडी टू क्वारल. शी सेड, वो कही, मैं तो नहीं चाहती हूँ स्ट्रेंज मैन, मीन्स आई डोंट लाइक सच स्ट्रेंज मैन हु कम एट माई होम टू टीच मी. टॉमी फेल्ट लाफ एंड ही लाफ्ड ऑल्सो टू मच लाउडली. यू डोंट नो मच मार्जी. टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. इन एंशिएंट टाइम स्कूल वॉज नॉट रनिंग इन द हाउस वेयर पीपल लिव. व्हाइल फॉर द स्कूल देर वॉज अ सेपरेट बिल्डिंग. देयर ऑल द स्टूडेंट्स बेंट स्ट्रेटली एंड टीचर्स ऑल्सो. एट्थ, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट be then if you don't like it you don't have to read the book. I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school, Margie looked up, not at mama. Now said Mrs. Jones, it's probably time for Tommy.
Marge said to Tommy, can't I read that book some more with you after school? But my mother says, our teacher has to be adjusted to fit and mind up each one. एक टीचर क्या होता है, उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है, स्टडिंग करनी होती है हर बच्चे हर लड़के लड़की के दिमाग के अनुसार, जैसे उसको टीच करना होता है, पढ़ाना होता है, और हर बच्चे के पास में हर बच्चा को पढ़ाया जाना होता है अलग अलग तरीके से. एवरी स्टूडेंट इज टू बी टॉट डिफरेंटली नॉट इक्वली. ठीक उसी तरीके से वे नहीं करते थे इस चीज़ को जैसा आज होता है, मतलब वो अपनी फ्यूचर की बात करते हैं. इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो, ये टॉमी माजिस से कहती है. यू डोंट हैव टू रीड द बुक जिसका तुमने किताब को पढ़ा नहीं. आई डोंट से मैं ऐसा तो नहीं कहता, नहीं मैं ऐसा नहीं कहती. मार्जी बहुत तेजी से कहती है, वह चाहती है पढ़ना उस फनी स्कूल्स के बारे में. मीन्स शी वॉज मच क्यूरियस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज़ फनी स्कूल्स. दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर. वे अभी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे ओल्ड स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में. जस्ट देन मार्जी वॉज कॉल्ड बाय द मदर मिसेस जॉन्स. मार्जी ने टॉम से कहा, प्लीज प्रॉमिस यू विल गिव मी दैट बुक टू रीड आफ्टर ओवर द स्कूल. व्हाट्स योर होमवर्क? प्लीज नो. Prepare difficult words from these passages. This is your homework. Thanks. Have a nice day.